हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की एक और वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। एमपी स्टाफ नर्स की यहां पे वैकेंसी रहने वाले नर्स की जबरदस्त ये वैकेंसी यहां पे जारी कर दी गई है। बहुत ही अच्छी जगह से वैकेंसी यहां पे निकाली गई है। तो मध्य प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अप्लाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। और साथ ही में सबसे अच्छी बात इसमें ये रहने वाली है कि यहां पर जो है आप लोगों में से अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जेएनएम कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने एएनएम कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं है, कहाँ से ये वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना, लास्ट डेट क्या है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी की अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी कहाँ से की गई है। तो यहाँ पे जो इस बार ये वैकेंसी निकाली गई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भोपाल की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। तो एम्स भोपाल की ये वैकेंसी यहाँ पे निकाल दी गई है, एम्स भोपाल से यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एम्स से ये वैकेंसी रहेगी इस बार। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। स्टार्ट डेट फ्रॉम रिसीविंग ऑफ द अप्लीकेशन इज 6 मई 2023। तो यहाँ पर आप लोगों से अप्लीकेशन जो मांगे गए हैं आवेदन, वो कब से स्टार्ट हो गए, 6 मई से यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो 6 मई से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई जरूर करें। 6 मई से यहाँ पे आवेदन करने की डेट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर नर्स पोस्ट फॉर सीडीसी फंडेड प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है, जूनियर नर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर नर्स पोस्ट फॉर सीडीसी फंडेड प्रोजेक्ट। तो यहाँ सीडीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो फंडेड प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत एक कॉन्ट्रेक्चुअल जूनियर नर्स की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है, एड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स भोपाल। और ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी यहाँ पे फिल की जाएगी, वहीं पर आपको जॉब दी जाएगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक जो देख सकते हैं सीरियल नंबर में एक दिया गया है, यानी कि एक ही पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, जो भी है आपकी जूनियर नर्स की वैकेंसी है। और इसकी जो सैलरी रहेगी आपकी 18,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, कंसोलिडेटेड सैलरी जो है आपकी 18,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे केवल 3 है, 3 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं इन 3 पदों के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर जिस आप लोगों की क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सही रहेगा तो आप में इसमें से आपको जॉब मिल सकती है। बात करें अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले दिया गया 10+2 साइंस स्ट्रीम। तो 10+2 आपका जो होना चाहिए वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना जरूरी है, या पीसीबी भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 10 साइंस स्ट्रीम दिया हुआ है, तो पीसीबी और पीसीएम दोनों हो सकता है। फिर यहाँ पे इसका जो पहला पॉइंट दिया गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन एएनएम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। तो अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है एएनएम का, यानी कि एएनएम का कोर्स आपने किया है, 2 साल का सर्टिफिकेट है आपके पास, डिग्री डिप्लोमा है, तो उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है अगर एएनएम किया है, और वो भी जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो एनएबीएस से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल जो होगा वहाँ से आपका एक्सपीरियंस बना होना चाहिए। तो ये तो हो गया एएनएम कैंडिडेट्स के लिए कि एएनएम कैंडिडेट्स का क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, यानी कि आपका एएनएम के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। फिर अगर बात करें जेएनएम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेएनएम के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जेएनएम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर अगर आपने जेएनएम का रखा है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप जेएनएम किए हुए हैं, जेएनएम का डिप्लोमा है, सारी चीज़ें हैं आपके पास और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो दिया गया है, बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या पीबीबीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे एक डिजायरेबल जो दिया गया है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का होना चाहिए।
एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट की बात जो दी गई है आप देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, यानी कि 28 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 28 साल से अधिक एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई वैकेंसी की डिटेल, क्वालिफिकेशन, सैलरी और नंबर ऑफ पोस्ट और एज लिमिट की जानकारी। अब यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे सही जानकारी दी गई है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एम्स भोपाल वेबसाइट। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे और पीडीएफ फिल एप्लीकेशन शुड बी अटैच विद गूगल फॉर्म, यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे जाके गूगल फॉर्म पे उस फॉर्म को सबमिट करना होगा आपको। फिर यहाँ पे नोट्स में दिया गया है कि क्या क्या आपको लगाना है, एप्लीकेशन बस फिल द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है, सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद जो है स्कैन जो है डॉक्यूमेंट्स आप जो सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते दिया गया ओनली स्कैन कापी ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम, तो आपको स्कैन कापी ही यहाँ पे अपलोड करनी है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म एज पीडीएफ शुड बी अपलोडेड थ्रू गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म पे वो पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो लिंक यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद दिया गया है वी विल कॉल ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट। तो उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आप जो अपने आवेदन सबमिट करेंगे उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर जो है बाद में बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का उनका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका रिटन टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। द लिस्ट ऑफ फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी फ्लोटेड ऑन द एम्स भोपाल वेबसाइट ऑन 13 जून, तो 13 जून को फाइनल लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी जाएगी, जो सिलेक्टेड फाइनल कैंडिडेट होंगे उनकी 13 जून को जो फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे 13 जून को यहाँ पर आप लोगों की आ जाएगी। और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद वन फोटोग्राफ एंड फोटो आईडी प्रूफ इज मस्ट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये आपका आईडी एक फोटोग्राफ और एक आईडी प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। टेन्योर ऑफ पोस्ट एक वन ईयर, ये एक साल की जो है टेन्योर रहेगा इसका, उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन इज 31 मई 2023, यानी कि 6 मई से आपका स्टार्ट हो चुका है आवेदन और 31 मई तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए है, तो अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर जूनियर नर्स एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपकाना है, यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस का एड्रेस जो भी हो, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर एकदम सही होना चाहिए क्योंकि मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको इसी पर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह भरनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरना है और ये यहाँ पे प्लेस और डेट और सिग्नेचर करके आपको ये जो गूगल लिंक दिया गया है इस पर जाकर इसको सबमिट कर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा के इस गूगल लिंक जो दिया गया है इस पर जाकर आपको सबमिट करना होगा। तो ये पूरी जो है स्टेप जो है आपको फॉलो करने होंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, ये पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, यहाँ पर भी जाके यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको एक पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्मेट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।